अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की रोटी। सो उसके लिए आपको चाहिए कॉर्न मील यानी मकई का आटा। मेरे पास है फाइन कॉर्न मील, मैंने ये टेस्को से बाय किया, बहुत स्वीट है, नाइस है। अगर आप ही बाय करना चाहें और आपके पास अगर घर का अवेलेबल है, पाकिस्तान में तो मोस्टली होता है, तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम आटा गूंथते हैं। आटा गूंदने के लिए आप वाटर जो है पानी बॉयल कर लें, या एटलीस्ट वो वार्म हो, क्योंकि कोल्ड वाटर से जब आप आटा गूंथते हैं मकई का तो फिर रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो आप यूज़ करें हमेशा हॉट वाटर और वार्म वाटर, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, आटा अच्छी तरह से गूंद लें अपने हाथों की मदद से, और मेक श्योर कि आटा जो है आप अपना सॉफ्ट रखें। मैंने बना के देखी है हर तरह से, लाइक हार्ड आटा हो तो इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती है मकई की भी, लेकिन अगर सॉफ्ट हो तो फिर बहुत अच्छी रोटी बन जाती है ना। हमारा आटा रेडी हो गया है, वी नीड अ फ्लेम हेयर मैं यूज़ करने लगी हूँ। अगर आपके पास ये फ्लेम नहीं है, कोई और बैग आप यूज़ करना चाहें, जस्ट मेक श्योर कि वो क्लीन हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बेलना भी यूज़ कर सकते हैं और आप हैंड्स की मदद से भी बना सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी स्मॉल पीस, लाइक कि स्मॉल पेड़ा जिसको बोलते हैं। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनाऊंगी, बिकॉज ये खालिस मकई की रोटी हम बनाने लगे हैं पहले, तो फिर मैं एक दूसरी तरह से भी बनाऊंगी, ठीक है। ये देखें, इसमें लिटिल बिट क्रैक्स भी आ गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल खालिस वाला है, मुझे बहुत पसंद है वैसे खालिस मकई की रोटी। तो इन क्रैक्स को हम फिक्स कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिंगर्स के साथ जा जो भी आपके पास चीज़ हो, आप इसको आराम से फिक्स कर लें, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे बटर या ऑयल। बटर और ऑयल के बिना मकई की जो रोटी है वो आई डोंट थिंक सो के बनती है। मैंने बना के देखी थी, वो तवे के साथ ही चिपक गई थी, तो वी मस्ट नीड अ ऑयल या बटर, ठीक है। आप अच्छी तरह से इसको लगा लें और मेक श्योर कि आपका जो रोटी मेकर है या तवा है वो हॉट हो, अदरवाइज़ फिर रोटी ड्राई हो जाती है, और स्पेशली रोटी मेकर में तो। दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही इसके बटर या ऑयल जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें, ठीक है। और हमारी रोटी जो है वो बस 5-6 मिनट में रेडी हो जाएगी। रोटी मेकर थोड़ा ये स्लो प्रोसेस कर देता है, बिकॉज़ इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता है, लेकिन ओके, जो रोटी मेकर है मैं इसको क्लोज़ नहीं करती हूँ, स्पेशली मकई की रोटी के लिए, लाइक दिस, ऑलराइट, बिकॉज इससे रोटी आई थिंक ड्राई हो जाती है। दूसरे नॉर्मल रोटी के लिए तो ये ठीक रहता है, पर इसके लिए नहीं करती हूँ मैं। सो इसी तरह से हमने अपनी सेकंड रोटी भी बना ली है, देखें कितनी मज़े की बनी है। शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इट्स ओके। सो सेकंड मेथड में अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं मिक्स आटा, गंदम का आटा थोड़ा सा ऐड करेंगे, सेम उसी तरह से। इससे ये होगा कि इससे आपकी रोटी टूटेगी नहीं, और अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी बनाना चाहें रोटी वो भी आराम से बन जाएगी। तो सेम उसी मेथड में वार्म वाटर या हॉट वाटर से हम अपना आटा रेडी कर लेंगे, फिर आप बनाएंगे बड़ा सारा। ये देखिएगा, ये वाली रोटी जो है काफ़ी बड़ी बनेगी ना, तो इसमें देखें आप क्रैक भी नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें गंदम का थोड़ा सा आटा शामिल है। ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप कर लेते हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है ना। और ये काफ़ी सॉफ्ट बनाई है मैंने, तो सेम विद द ऑयल, एवरीथिंग इज़ द सेम प्रोसेस वी डिड द फर्स्ट वन, सो दिस वन इज़ द रेडी एज वेल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि साइडें थोड़ी बहुत कच्ची रह गई हैं, तो आप फिर यूज़ कर सकते हैं उसका, लाइक आप इसको बंद कर सकते हैं रोटी मेकर को, लेकिन जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड लाइक दिस। तो इससे जो है वो साइडें वो आपकी जल्दी जल्दी से पक जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा देर के लिए इसको बंद नहीं रखें, ऑलराइट। ये देखें, ये बल्कि फूल भी गई है रोटी हमारी थोड़ी सी, सो इट्स मीन इट्स वेरी नाइस यमी। देखें कितनी सॉफ्ट और मज़े की रोटी बनी है, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ सूखी, मुझे बहुत पसंद है, एवरी डे ऑलमोस्ट। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, टेक केयर योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ।